हेलो गाइस, मैं सेल्फ उदय कुमार और बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं आज का प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग इस समय कर रहे हैं बैटरी प्लेट की जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कोर फ्लेम मैथड। ओके, और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है ये। कोर फ्लेम मैथड क्या होता है, कोर फ्लेम मैथड वो हम सब डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। ओके, तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक, आपका छोटा सा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है और बड़े मुझे प्रेरित करता है कि नहीं, मैं आपके लिए काम करूँ, हमें मेरी टीम के लिए वर्क करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, समझने वाली बात ये है कि ये पेरीफेरी, ओके, लाइन का है, पेंसिल ये देख, पेरीफेरी ऑफ द प्लेट इज डिवाइडेड इंटू फोर सेक्टर हुज कॉर्नर आर ओवरलैपिंग ईच अदर एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट। यानी आप जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने स्टार्ट करते हैं, उसके पहले क्या लेना है, आपको प्लेट लेनी है। बैटरी प्लेट लेने के बाद में आपको बहुत ही, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे मैंने आपको इसमें प्लेट को चार सेक्शन में डिवाइड कर रखा है मैंने, तो आपको उसी प्रकार से इसको डिवाइड करना है। ओके, तो इसका नाम क्या, फोर फ्लेम। तो यहाँ पे फोर जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, सर मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो फर्स्ट पॉइंट मेरे यहाँ पे है कि फोर फ्लेम का क्या मीनिंग है। फोर फ्लेम का यहाँ पे मैंने बताया कि चार सेक्शन में डिवाइड करके हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, आपको हर एक सेक्शन को ओवरलैप करना है, बट पहला और आखिरी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्लियर, बहुत इजी चीज है ये, आपको मैंने दिखा दिया है कैसे परफॉर्म करना है। आपको देख लीजिए, आपको बस लेना है प्लेट, एक लाइन ऐसे खींचनी है, फिर दूसरा यहाँ ओवरलैप पर कैसे खींचना है, तीसरा आपको ओवरलैप पर कैसे खींचना है, चौथा आपको ओवरलैप पर कैसे खींचना है। देखो इसमें अभी फर्स्ट और लास्ट के बीच अभी डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है ये परफॉर्म। आप लोग माइक्रो के सब बच्चे करते ही हैं आइसोलेट कॉलोनी लेने के लिए, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है। आफ्टर स्टिकिंग ईच सेक्टर ऑफ द वायर, लूप इज स्टरलाइज एंड विदाउट रिचार्जिंग द लूप द नेक्स्ट सेक्टर इज फिट। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या सर, कॉन्सेप्ट क्या है आपको, अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, पहले हम लोग उसका जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हर बार जो है वायर लूप से लेते रहना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार ही हमारे जो वायर लूप है उसको रिचार्ज करना है, बार बार उसको रिचार्ज नहीं करना। ओके, हमें यहाँ पे क्या डायल्यूट करना है उसे कंटिन्यू। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको एक ही बार क्या करना है, रिचार्ज करना है। स्टराइल कर लिया तो उन्हें इनोकुलेट ले लिया, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, स्टिकिंग करनी, क्या करना है, कंटिन्यूस आपको स्टिकिंग करते जाना। एक सेक्टर स्टिकिंग हो गया, उसके बाद में उसको क्या करो, उसी सेक्टर के एंड पॉइंट से लेके दोबारा क्या करो, उसको स्टरलाइज करके फिर से वो सेक्टर स्टिक करो। तो कंटिन्यूज क्या करना है आपको, आफ्टर स्टिकिंग ईच सेक्टर द वायर लूप स्टरलाइज, आपको स्टरलाइज वायर करना है एंड देन कंटिन्यू उसको नेक्स्ट सेक्टर के लिए स्टिक करना है। ओके, गिव द इमीडिएट डाइल्यूशन ऑफ द बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरियल लोड एंड ओनली द ऑर्गेनिजम्स प्लेस ऑन द ओवरलैपिंग सेक्टर आर द कैरी आउट ऑफ द नेक्स्ट। बहुत सिंपल लाइन है, समझो क्या मीनिंग इसका है। इमीडिएट डायल्यूशन ऑफ द बैक्टीरियल लोड एंड ओनली द ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग सेक्टर आर द कैरी आउट ऑफ द नेक्स्ट। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमने जैसे इसको देखो, आपको यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल में, ये मेरा क्या बहुत ही डार्क है, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से पकड़ के इसको इधर खींचना है, यानी इसको ओवरलैपिंग से मुझे इसको इधर क्रॉस करना है, फिर मुझे इसको यहाँ का जो कॉलोनीज है उनको इधर स्प्रेड करनी है, देन मुझे यहाँ की जो कॉलोनी उनको इधर स्प्रेड करना है ना, आपको ओवरलैपिंग रीजन को ही ध्यान रखना, आगे एक्सटेंड करना है, तभी क्या होगा आपका जो आइसोलेटेड कॉलोनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो मेथड है फोर फ्लेम मेथड काम क्यों आता है, हमारा सबसे बेसिक बात अगर मैं आपको बता दूँ तो जनरल मेथड इज टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ध्यान रखना मेथड हमारे पास में अवेलेबल है कि हम लोग जो है आइसोलेटेड कॉलोनीज को ले सकें, जनरल मेथड टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास में कौन सा होता है, फोर फ्लेम मेथड। आपको देख रहे हैं कितनी एकदम क्लियरली, एकदम कॉलोनीज हैं, ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरी कॉलोनी। ओके, यहाँ देख रहे हो कितना बिल्कुल डेंस था, ओके, कितनी बहुत ही डेंसिटी हाई थी, फिर हमने इसको और डायलूट किया, इधर एक्सट्रिक किया और इधर के, तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें, जितना ज़्यादा आपका जो डेंस, इसकी जो डाइल्यूशन घट रहा है आपका, ओके, आपकी जो कॉलोनी जो है वो आइसोलेशन आपका बढ़ रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल ध्यान रखना, आपको कॉलोन जो आइसोलेटेड कॉलोनी है उनको लेने के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। क्लियर कहा नहीं आता है,
प्रोसीजर बहुत सिंपल से है, आपको लैब में जाना है, लैब में जाने की वही सब कहानी, आपको प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, बर्नर ऑन करना है, दो बर्नर के बीच में काम करना है, प्लेटफॉर्म को लाइजोल से क्लीन करना है। उसके बाद सबसे पहला जो वर्क रहेगा हमारे पास में, हमें पैटरी डिस्क लेनी है, उसको पेन या मार्कर के द्वारा उसको डिवाइड कर, उसके जो सेक्टर्स हैं वो डिवाइड कर लो। क्या करना है, आपका पहला काम रहेगा सेक्टर को डिवाइड कर लो, आपको जो फिगर दिखा रहा है वो फिगर फॉलो करके आपको ऐसा डिविजन कर देना है। नंबर टू क्या करना है, आपको आपका जो वायर लूप है आप उसे स्टेरल कर लीजिए, और क्या कर लीजिए जो कल्चर हमारे पास अवेलेबल है उसको विड्रॉ कर लीजिए। कल्चर विड्रॉ करने के बाद में वो जो न्यूट्रियम मीडियम है उसमें सेक्टर वन में क्या उसको स्ट्रिक करना शुरू करें। ओके क्लियर। अब बारीक मैंने फर्स्ट सेक्टर कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट, क्या बोला मैंने, जब आपका फर्स्ट सेक्टर कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ओके पैटर्न इज वन क्वार्टर टर्न विद द फिगर लेफ्ट हैंड प्लेइंग द लूप अलाउ टू एयर कूल एंड स्टिक द लूप बैक द फोर्थ अंटिल द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द अगार प्लेट इज कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट। कहने का मीनिंग सिंपल है, यहाँ पे एग्जांपल आपको समझो कि भी मैंने मान ली कि यहाँ पे ये मैंने सेक्टर जो वन है स्टिक कर लिया, ओके क्योंकि थोड़ा मेरा पेंसिल बराबर नहीं चल रहा है। ये करने के बाद में क्या करना है, मुझे इसको अगेन जो फ्लेम मेरे पास में है उसे स्टराइल कर देना है, कूल कर देना है, और फिर उसको यहाँ से पकड़ के फिर से मुझे इसको इधर से स्ट्रिक करना है। ये दोबारा भी हो जाएगा, फिर से मुझे स्टराइल करना है, फिर क्या करना है यहाँ पे मुझे तीसरा स्टिकिंग करना है। आपको समझ में आ रहा है पूरी कहानी? तो इस प्रकार से आपको एक के बाद आपको सेक्टर पे करना है स्टिकिंग, यहाँ पे करनी है। क्लियर। आफ्टर द स्टिकिंग द लास्ट सेक्टर फील स्ट्रिक रिमेनिंग सेंट्रल स्पेस विद आउट टचिंग एनी ऑफ द सेक्टर। लास्ट में आपको देख लीजिए, बीच में आप जो एरिया देख पा रहे हैं, आपको जब आपके चारों सेक्टर हो जाएंगे तो बीच में आपको ऐसे इस प्रकार से आपको सांप बना देना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लास्ट में आपको इसको बीच में लेके यहाँ पे जाके छोड़ देना है, ठीक है, सेक्टर को। ओके तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये सबसे लास्ट आपकी प्रोसीजर रहेगी, और लास्ट में जब आपकी स्टिकिंग पूरी हो जाती है तो आप पैटरी डिस्क की जो लीड को आप बंद कर लें। बंद करने के बाद में आपको सीधी सी कहानी बताई है, 24 आवर्स के लिए आपको जो इंक्यूबेटर उसमें आप उसको रख दें। ये गाइस बहुत सिंपल था, एक बार वापस समराइज करूँ, बहुत सिंपल है। फोर सेक्टर जो मेथड हमारे पास में अवेलेबल है इसको काम होता है, हमें आइसोलेटेड कॉलोनी प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। कॉलोनीज हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट में पैटरी डिस्क हमें चाहिए, वायर लूप वगैरह चाहिए, ओके उसके बाद में कल्चर वगैरह चाहिए। अपने जब बैठ जाते हैं बर्नर पे तो फोर सेक्टर आप बना लें, उसके बाद में एक एक सेक्टर को स्टिक करें। पहले सेक्टर को जब स्टिक कर लेते हैं, वार्डो को फिर से ट्रायल करें, एंड सेकंड फर्स्ट सेक्टर को टच करते हुए फिर से सेकंड सेक्टर में स्टिकिंग करें। सेम कहने फिर से उसको ट्रायल करें, सेकंड सेक्टर को टच करते हुए थर्ड सेक्टर स्टिक करें, सेम कहने स्ट्रायल करके फिर थर्ड सेक्टर को यूज़ करते हुए फोर्थ सेक्टर को स्टिक करें, और बीच में सेंटर पूंछ को छोड़ दें। इस बहुत ईजी प्रैक्टिकल गाइस, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।